फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो है वोल्ट एंड जो एम्पेयर मीटर है जो कुछ इस तरीके का आपको दिखता है, इसके जो वायरिंग और कनेक्शन के बारे में सीखेंगे और जो है स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कि आप किस तरीके से जो इसकी वायरिंग कर सकते हो जिससे कि जो है जो आपका सर्किट है ये जो ख़राब नहीं होगा और आपको इसकी जो फुल डिटेल आपको पता चल जाएगी कि कैसे वर्क करता है वोल्ट मीटर और जो एम्पेयर मीटर है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के कुछ पैकेज में आता है तो मैंने इसको ओपन कर लिया था। अगर आपको इसको बाय करना होगा तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसको बाय कर सकते हो। तो इस तरीके के ये दो वायर मिल जाते हैं, जो पतले वाले हैं वोल्टेज के हैं और जो बड़े वाले हैं ये एम्पेयर के होते हैं। तो इस तरीके का आपको पीछे से जो है इंटरफेस देखने को मिलेगा, यहाँ पर एम्पेयर वाले वायर्स लगेंगे, यहाँ पर वोल्टेज वाले वायर लगेंगे और कुछ इस तरीके की सर्किट है और यहाँ पर जो है वोल्टेज शो होगा और यहाँ पर एम्पेयर शो होंगे। यहाँ पर आप 10 एम्पेयर तक जो है चेक कर सकते हो और जो वोल्टेज है अप्रोक्स 100 वोल्टेज तक जा सकता है, ये सर्किट जो मेज़र कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम इसके वायर्स को लगा लेते हैं। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो कि तीन वायर, पहले तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ ये दो वायर्स हैं, ये एम्पेयर के वायर्स हैं। तो जो इसको आप अभी भूल जाओ, इसको मैं निकाल देता हूँ। पहले मैं आपको वोल्टेज के जो है वायर्स के कनेक्शन समझा देता हूँ। यहाँ पर तीन वायर हैं, जो ब्लैक वाला वायर है ये देखो, ये मिडल में जो ब्लैक वाला वायर है ये जो है ग्राउंड वायर है और जो रेड वाला है ये पॉजिटिव वायर है और जो है ये फ्रेंड्स ये येलो वायर है, ये वोल्टेज सेंस वायर है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें इसको ऑन करना है तो मैं एक बैटरी ले रहा हूँ 9 वोल्ट की और इसके साथ एक कनेक्टर ले रहा हूँ। और सबसे पहले मैं इसके जो नेगेटिव और पॉजिटिव वायर के कनेक्शन है मैं कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से नेगेटिव और पॉजिटिव वायर के कनेक्शन कर लेने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, अगर मैं इसको इसके साथ अटैच करता हूँ तब देखना, इसके साथ मैंने इसको कनेक्ट किया तो जो है जो वोल्टेज जो है और एम्पेयर मीटर जो है ये जो है ऑन हो गया। तो फ्रेंड्स, बेसिकली जो है इसे ऑन करने के लिए वोल्टेज चाहिए होता है जो कि हमने इसको वोल्टेज दे दिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आप 5 वोल्ट के अप्रोक्स वोल्टेज देना तो ही जो है आपकी जो ये डिस्प्ले है ये ओपन होगी, मतलब कि चालू हो जाएगा। अगर आप 5 वोल्ट से कम देते हो तो ये अच्छे से वर्क नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप 5 वोल्ट से ऊपर आप वोल्टेज देना तो ये जो डिस्प्ले ओपन हो जाएगा, मतलब कि ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद से जो ये वाला वायर है, आप सोच रहे होगे कि यहाँ पर वोल्टेज क्यों नहीं बता रहा। ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज की जो सेंस वायर है वो ये येलो वायर है। अगर आप इस बैटरी के वोल्टेज पता करना चाहते हो तो यहाँ पर जो रेड वाला वायर है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैं इसको टच करूँगा तो यहाँ पर जो इसके वोल्टेज बता रहा है 8.3। फ्रेंड्स, यहाँ पर जिस भी बैटरी की आपको वोल्टेज पता करनी है वहाँ पर जो है आपको ये येलो वाला वायर लगा देना है तो जिससे कि ये वोल्टेज को सेंस कर लेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, मैं एक बार और चेक करके दिखा देता हूँ, 8.3 वोल्टेज की अप्रोक्स इसके अंदर बैटरी बची हुई है। तो फ्रेंड, इस तरीके से आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने 12 वोल्ट का जो बैटरी पैक बनाया था पिछली वीडियो में अपने BMS लगा के, अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हो। तो हमें इसकी वोल्टेज को जो चेक करना है तो आप किस तरीके से इसके वोल्टेज को चेक करोगे, तो यहाँ पर जो है मैं थोड़ा सा सेटअप तैयार कर लेता हूँ। यहाँ पर जो आपको वोल्टेज इंडिकेट कर रहे हैं 0। अब मुझे इस बैटरी के जो है मैंने जो बैटरी पैक बनाया है इसकी वोल्टेज पता करने हैं। तो मैं इसके वोल्टेज को किस तरीके से पता करूँगा, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या रहेगा, जो नेगेटिव वाला वायर है इसको ग्राउंड के साथ लगा देना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब जो है अब वोल्टेज अभी भी आपको 0 इंडिकेट कर रहे होंगे। तो जैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर जो है येलो वाला वायर है जो वोल्टेज सेंस वायर है, अगर मैं इसको इसके साथ लगा देता हूँ तो आप देख सकते हो कि जो वोल्टेज 10.2 वोल्टेज आपको दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप इसके वोल्टेज को भी चेक कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं आपको एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इसको बैटरी की वोल्टेज को चेक करना है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि इन दोनों वायर को आप एक साथ कर दो, रेड और येलो वायर को एक साथ कर दो
तो जो है रेड और येलो वायर जो हो जाएंगे आपके पॉजिटिव वायर हो जाएंगे और ब्लैक नेगेटिव वायर हो जाएंगे, जिससे कि आप किसी भी बैटरी में आप लगाओगे, फॉर एग्जांपल आप जिस भी बैटरी में ऐसे लगाओगे तो जो आपके जो एक्चुअल जो वोल्टेज है वो आपको इंडिकेट करने लगेंगे। तो ये रहे हमारे वोल्टेज के कनेक्शन। अब जो हम सीख लेते हैं जो हमारे एम्पेयर के जो कनेक्शन है किस तरीके से होंगे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसको निकाल लेते हैं और एम्पेयर के कनेक्शन करने के लिए मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो है इसके कनेक्शन जो है हम कर लेते हैं, पहले इसको लगा लेते हैं। इसको लगाने के बाद फ्रेंड्स अब मैं आपको एम्पेयर के कनेक्शन बता देता हूँ किस तरीके से करने हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आप सीख सकते हो कि किस तरीके से हम एम्पेयर के कनेक्शन कर सकते हैं। तो आप जो है एम्पेयर के कनेक्शन करने के लिए जो ये ब्लैक वायर है, ये और ये दोनों ब्लैक वायर ग्राउंड है, कॉमन है फ्रेंड्स, ये सर्किट से कॉमन है। तो आप इसमें से कोई भी ब्लैक वायर यूज़ कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो कि फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर जो है इस तरीके से फ्रेंड्स, मैं आपको इसमें नहीं इसको निकाल देता हूँ, क्योंकि जो है इस बैटरी में एम्पेयर बहुत कम होते हैं तो ये एम्पेयर मेज़र नहीं कर पाएगा। तो इसको मैं साइड में रखता हूँ, मैं अपनी बड़ी बैटरी के साथ जो आपको इसकी एम्पेयर मेज़र करके दिखाऊंगा। तो ये जो ब्लैक वाला वायर है, हम जो है सबसे पहले ये जो पॉजिटिव वायर है हम पॉजिटिव के साथ लगा देंगे, ठीक है। ये बैटरी का पॉजिटिव इसके पॉजिटिव के साथ जाएगा और ये जो नेगेटिव वायर है आप चाहें फ्रेंड्स ये नेगेटिव वायर इसके साथ दो, ये देखो बड़ी वाली मोटी वायर के साथ दो, या फिर आप इस वायर के साथ दो, ये मीटर तब भी ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है कभी भी एम्पेयर जो है आपके सीरीज़ में चेक होते हैं तो उसको चेक करने के लिए देखिए फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा। इसको लगा दिया इस तरीके से, तो देख सकते हो यहाँ पर जो ये ऑन हो गया। एक मैंने मोटे वायर यूज़ किया है, आप इसका भी वायर यूज़ कर सकते हो, बट जो हम सीरीज़ में चेक कर रहे हैं तो हमें इस वायर को काम में लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको जो है इग्नोर करो, ठीक है ठीक है। और इसके बाद से हमें वोल्टेज सेंस करना है, तो हम क्या करेंगे ये येलो वायर है हम इसके साथ लगा देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने येलो वायर लगा दिया, ठीक है फ्रेंड्स। येलो वायर लगाते ही ये वोल्टेज जो है शो करने लगा। अब फ्रेंड्स क्या करना है, हमारे पास ये दो वायर बच जाएंगे, ये दो वायर हमें हमारे पास आ गए। इन दो वायर का जो हम यूज़ करेंगे तो जो है हमारे एम्पेयर जो है वो शो करने लगेगा। तो फॉर एग्जांपल इसको शो करने के लिए मैं आपको कुछ चलाकर दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक मोटर है जो कि 775 डीसी मोटर है। तो जब मैं इसको चलाऊँगा तो आप ऑटोमेटिक देख सकते हो जो है इसके वोल्टेज थोड़े से ड्रॉप होंगे और जो एम्पेयर है वो आपको इंडिकेट होने लगेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो वोल्टेज शो कर रहे हैं, तो जब मैं इसको इसके साथ लगाता हूँ तो आप ध्यान से देखना। तो यहाँ पर लगाता हूँ तो जो आपको जो है एम्पेयर जो है शो करने लगेंगे, देख सकते हो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप हो गए हैं। तो फ्रेंड देख सकते हो यहाँ पे वोल्टेज भी ड्रॉप हो रहे हैं और जो एम्पेयर हैं वो भी शो करने लगे हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये अप्रॉक्स 500 मिली एम्पेयर तक जो है करंट जो लेता है ये डीसी मोटर। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये वोल्टेज शो करा रहा है। अब फ्रेंड्स मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, इसको यहाँ पर लगा देते हैं और जो है इसको जो है हम यहाँ लगा देते हैं। तो देख सकते हो जो हमारा थोड़ा सा मैं इसको सेटअप कर लेता हूँ, थोड़ा सा मुझे इसको यूज़ करने में दिक्कत आ रही है। तो देख सकते हो यहाँ पर वोल्टेज शो कर रहे हैं। अगर मैं इसको ऐसे जो इसकी मोटर की जो शाफ्ट है अगर मैं इसको पकड़ के रखूँ तो जो एम्पेयर देख सकते हो एक एम्पेयर मतलब अप्रोक्स 2 एम्पेयर के ये जो करंट ले रहा है। तो तरीके से जो आप इस सर्किट का यूज़ कर सकते हो वोल्टेज और एम्पेयर पता करने के लिए, तो ये सर्किट काफ़ी अच्छा है और इससे फ्यूचर में मैं आपको काफ़ी और नए नए प्रोजेक्ट बनाकर दिखाने वाला हूँ।
आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो इस वीडियो से, तो लाइक करके ज़रूर से जाना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और इसी तरह की अमेजिंग सी वीडियो देखने के लिए बेल वाले आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। तो नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।